निटाबच, निटाबच लेयर प्रेजेंट इन, ये ओबीजी का क्वेश्चन है बच्चों, ये ओबीजी का क्वेश्चन है, निटाबच लेयर कहां प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन आपके सामने है, बिटवीन प्लेसेंटा एंड एमनियन, बिटवीन प्लेसेंटा एंड कोरियन, बिटवीन प्लेसेंटा एंड डेसिडुआ, बिटवीन प्लेसेंटा एंड मायोमीट्रियम, विच इज द राइट आंसर। बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी एमसीक्यू पूछा आपसे, फटाफट आंसर पुट करने का। क्वेश्चन पूछा है कि निटाबच लेयर कहां प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होता है, लोकेशन आपसे पूछा है, जगह का नाम आपसे पूछा है, और आपको फटाफट आंसर पुट करना है। इफ यू हैव आंसर पुट इट, आई विल पुट द आंसर। बहुत बढ़िया इमरान, बिल्कुल सही आंसर, नहीं है तो नहीं पुट करना। देखिए बच्चों, निटाबच कॉमनली जो होता है प्लेसेंटा एंड डेसिडुआ, देखिए डेसिडुआ सेपरेटिंग लेयर्स होती है, और प्लेसेंटा जब मदर के यूट्रस में बेबी ग्रोन अप कर रहा होता है, देन वी आर गोइंग टू सी द प्लेसेंटा और डेसिडुआ, इन दोनों के बीच की लेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, निटाबच बोलते हैं, निटाबच। तो इस तरीके का क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, और आपको छोटी छोटी ये ट्रिकी टफ वर्ड को रिमेंबर करना सीखना होगा, सीखना होगा। यदि आपको आंसर नहीं पता है तो यू शुड ट्राई टू लर्न एंड अडॉप्ट इट, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी में बच्चों लर्नर बनकर रहना, जो सीखने को मिले सीखने से पीछे नहीं हटना, और सिखाने वाला वो कोई भी हो सकता है, वो एक छोटा सा बच्चा हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपके मदर फादर हो सकते हैं, जो जिंदगी में सीख करके आगे बढ़ने को आपको मदद करे उसे कभी सीखने से पीछे नहीं हटना बच्चों। दिट इज अ वे यू शुड मेक योर सेल्फ लर्नर ऑलवेज। जब आप हमेशा लर्नर बन के समथिंग यू शुड ट्राई टू लर्न इट, डेफिनेटली यू विल ग्रो अप, आप धीरे धीरे ग्रो अप होने लगोगे बच्चों।